हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कंफ्यूज्ड हो? कंफ्यूजन होना ही था, क्योंकि कल एक अशोक गहलोत जी के एक भाषण ने पूरे राज्य के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया। क्या 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे? अगर आप 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो अपने आगामी एग्जाम में क्या फर्क पड़ेगा इसका? बहुत सारे रील्स बन रही है जिसमें वो मैप को फाड़ रहे हैं, कोई किताबों को फेंक रहे हैं, है ना, कोई बोल रहा है इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे। क्या आने वाला जो एग्जाम है, जैसे URO है, सूचना सहायक का है, या कोई भी एग्जाम है जो भी जस्ट 3-4 महीने बाद होंगे, उसमें इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या आपको पहले वाले फैक्ट पढ़ने हैं या नए पढ़ने हैं? इन सब का जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। मैं महावीर सियाग, सार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो देखो, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, केवल घोषणा हुई है, और घोषणा होने से कुछ नहीं होता है। ये ठीक वैसी बात है कि अभी केवल ऐसे बात हुई है कि छोरे रो रिश्तों करा, केवल घोषणा हुई है, छोरे रिश्तों जो हुई हो नहीं, तो केवल घोषणा हुई है। लड़की भी फाइनल कर लिया कि ये है, ये है, बस उतना ही हुआ है। जब रिश्ता हो जाएगा तब चेंजेस आएंगे, शादी हो जाएगी पूरी तब चेंजेस आएंगे, उससे पहले कोई चेंज नहीं आने वाले। अभी क्या क्या करंट पूछ सकता है आगामी एग्जाम में? देखो, अभी घोषणा हुई है, घोषणा होके 5-6 महीने इनको लगेंगे, लोकेशन तय करेंगे, कौन सी तहसील किस में जाएगी किस में नहीं जाएगी, कुछ विवाद होंगे उसको सोल्व करेंगे। लेकिन अभी जो ये घोषणा हुई है, जो आगे URO वाला एग्जाम है या फिर सूचना सहायक वाला एग्जाम है या कोई और भी हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ पर 19 डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कल से वही देख रहे हो, तो फालतू में इसको वापस बताने का कोई मतलब तो है नहीं, आपको पता ही है। मैं बात करता हूँ कि करंट के क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, कौन कौन से करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखो। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि घोषणा कब की गई, ये क्वेश्चन आ जाएगा 17 मार्च को। अच्छा क्वेश्चन है, सारे केवल मैप फाड़ने और में रह जाएंगे, किताब इधर उधर करने में रह जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा घोषणा कब की गई, फिर बोलेंगे गौर ही नहीं किया 17 थी 18 थी क्या थी, तो 17 मार्च को। कितने नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे? 19, पहले 6-7 की बात चल रही थी और एकदम से 19, और 19 बना दिया तो पूरा जियोग्राफी चेंज हो जाएगी। हाँ, आगे इफेक्ट पड़ेगा जियोग्राफी पर, पूरा ही पड़ेगा, जो नदी नाले जो भी आपने किए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट की जगह 3 हो जाएंगे। कुछ जगह जैसे लोएस्ट में नीम का थाना है, पहले बोलते थे नीम का थाना सीकर, अब नीम का थाना खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। कयों में फर्क आएगा, टोटल बने कितने? 19, पहले से अपने कितने? 33, 33 और 19 तो 52 होते हैं, तो अब ये 50 कैसे? कंफ्यूजन सोल्व हो भी गया होगा, अगर जिनके नहीं हुआ है वो देख लो। जयपुर और जोधपुर, उनको 2 टुकड़ों में कर दिया, मान लो ये है, इस चीज को मैं 2 टुकड़ों में कर दूं तो इस चीज का अस्तित्व समाप्त हो गया ना, तो जयपुर और जोधपुर माइनस हो गए 2, 52 माइनस 2 जयपुर जोधपुर कर दो, तो डिस्ट्रिक्ट अब टोटल हो कितने जाएंगे? 50 हुए नहीं है, हो जाएंगे। 19 नए घोषणा की गई है, हो कितने जाएंगे? 50 नए संभाग कितने? 3। क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा नया संभाग प्रस्तावित नहीं है? नहीं है तो पाली सीकर बांसवाड़ा के अलावा कुछ और दे देंगे, जैसे अगर पाली सीकर बांसवाड़ा के अलावा देना हो तो बाड़मेर दे दूंगा। 4 ऑप्शन है तो बाड़मेर आंसर हो जाएगा, बाड़मेर संभाग बनना प्रस्तावित नहीं है। 7 संभाग पहले से ही थे, 3 संभाग और हो गए, तो टोटल संभाग की संख्या पूछी जा सकती है कि नए संभाग बनने के बाद टोटल संभाग की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीचे है। क्वेश्चन आ जाएगा प्रारंभिक प्रस्तावित बजट, सबने PDF देखी उसके एंड में लिखा है, एंड वाले किसी ने गौर नहीं किया, उसमें लिख रखा है कि अगर ये 19 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो खर्चा तो चाहिए ही होगा, और प्रारंभिक प्रस्तावित बजट कितना है? 2000 करोड़, एक बात। उसके अलावा पूछा जाएगा कि नए जिलों के निर्माण के लिए जो निर्मित कमेटी थी, जिसने अपनी सिफारिशें दी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये शायद सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है, वापस पूछ लेंगे, क्योंकि अब इस पर एक्शन हुआ है पूरा राजस्थान, कल मौसम भी चेंज हुआ और राजस्थान में स्टेटस भी चेंज हुए सबके। राम लुबाया है, सारे ने खूब लुबाया इनको कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बना दो, हमारा भी बना दो, ऐसे करते करते 19 लिस्ट में शामिल हो गए। और अच्छा क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकते हैं, सर्वाधिक नए जिले कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनने प्रस्तावित है? तो जयपुर में सर्वाधिक
चार, उसके बाद जोधपुर में तीन, ये पूछा जा सकता है। अब ये तो हो गई करंट की बात। अब आपके जो भी डाउट चल रहे हैं कि क्या करें, जियोग्राफी पढ़े कि ना पढ़े, फिलहाल तो आपको वही पढ़ना है अगर आपके नियर बाई एग्जाम है। हाँ, अगर आपके एक बार एग्जाम है ही नहीं, काफी टाइम तक एग्जाम नहीं है, मतलब आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई SI और की वैकेंसी जो अभी तक निकली नहीं है, तो उसके लिए आप जियोग्राफी को एक बार होल्ड कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट पढ़ लो, कहीं चेंज होगा। कल्चर में भी कुछ चेंजेज आएंगे, जैसे कोई बावड़ी है, कोई छतरी है, उनमें कोई दुर्ग है, उनमें अलग अलग चीजें चेंज होगी। जियोग्राफी में सर्वाधिक चेंज होंगे, पहला वाला ही पूरा चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, आंतरिक कितने हैं, बाह्य कितने हैं, हरियाणा के साथ कितनी सीमा है, वो सारे चेंज हो जाएगा। क्या जलवायु अपने करते हैं कोपेन वाली, और वो सारा चेंज, मिट्टी में सारे चेंज, कृषि में चेंज, उनका परसेंटेज चेंज, सब चेंज हो जाएगा। जियोग्राफी पूरी पूरी चेंज होनी है, और पूरी पूरी आपको दोबारा से पढ़नी भी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको अभी पैनिक नहीं होना है, ना तो वो कॉपी फाड़नी है, ना ये नक्शे फाड़ के रील बना के स्मार्ट बनना है, कुछ नहीं करना है। आपको जो पढ़ रहे हो उसी को ही रखना है, अगर आपके 2-3 महीने में एग्जाम है तो। इसमें पूरी प्रोसेस होने में 6-7 महीने कम से कम लगेंगे, और 6-7 महीने लगेंगे तब तक आपके एग्जाम हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो करंट MCQ आ सकते हैं ऐसे आ सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट का मिलान के आ सकते हैं कि गंगापुर सिटी कहाँ पर है, तो गंगापुर सिटी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है, खेरथल कहाँ पर है, अलवर में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नया डिस्ट्रिक्ट बन रहा है किससे बन रहा है, आपस में मैच करने का आ सकते हैं कि कौन से मुख्य डिस्ट्रिक्ट से निकल कर नया डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। और इसके अलावा और कुछ नहीं है, जैसे केकड़ी का पूछ सकते हैं, ये कुछ नए नाम जो आपको पहले से इतने नहीं सुने हुए हैं वो पूछ सकते हैं। और बाकी ये है, केवल माहौल ज़्यादा है अपने राजस्थान में, माहौल ज़्यादा बनता है, हर जगह ही बनता होगा, राजस्थान में तो एक्स्ट्रा है, तो इस माहौल से आपको घबराना नहीं है। सारे कल से मैसेज कर रहे हैं, सर क्या ही हो गया, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा क्या है आपके लिए, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है? जियोग्राफी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फ़ायदेमंद क्या है, बहुत सारी वैकेंसी आएगी, है ना, SI की, कॉन्स्टेबल की, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में थाने खुलेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएगी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लो कोई केकड़ी और में इतनी स्कूल नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, या नए संभाग बनेंगे, तो वो RS की, SDM की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए फ़ायदा ही है, अच्छा है आपके लिए, और राज्य का विकास भी होगा, घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल आपको केवल इतने ध्यान रखने हैं, और सारे डिस्ट्रिक्ट का ये ध्यान रखना है कि कौन सा कौन से मुख्य डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बनने जा रहा है, बना नहीं है, प्रस्तावित है, और ये 2000 करोड़ का विशेष ध्यान रखना, इतने में आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।